रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों है। वन रैंक वन पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में। और आपने जो है अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के जो गुप्त बैठक की, आपने आते सार अधिकारियों को जो है वन रैंक वन पेंशन दिया, और उसके कारण जो है आज आप बोल रहे हैं कि 70,000 करोड़ दे दिया। अजमेर में उन्होंने कहा था कि मैंने 65,000 करोड़ दिया, ये कोई 20 दिन पहले की शायद बात होगी। वहाँ पे एक महारैली की गई थी, उसके अंदर कहा था उन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय ने। और कल 15 अगस्त के पर्व पर उन्होंने उसको 5,000 करोड़ और बढ़ा के 70,000 करोड़ कर दिया। और मुझे लगता है कि जब तक अप्रैल मई आएगा तब तक ये 100-200 करोड़ तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि अभी स्पीड पकड़ी है, एक 15-20 दिन के अंदर 5,000 करोड़ बढ़ा है, तो आगे चलते चलते और भी बड़ा फिगर आ जाएगा। लेकिन मैं, कुछ लोग हमारे साथी कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया 44 सालों तक और ये और वो, तो फिर हम 178 दिनों से यहाँ बैठ के क्या मक्खियाँ मारने के लिए बैठे हैं? मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़कर, करबद्ध जिसे कहते हैं, प्रश्न करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि महाराज ये बताइए कि 70,000 करोड़ 65,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? जब आपने 2013 में रैली की थी उस समय सारे जवान जो थे दरी कुर्सियां बिछा रहे थे और नीचे जमीन पर बैठे थे, जो अधिकारी जनरल फर्नल ये वो आपके साथ बैठे थे सारे के सारे, उनके साथ मंच के पीछे आपने क्या समझौता किया? वो क्या गुप्त समझौता था कि पूर्व सैनिकों को जो है वन रैंक वन पेंशन में पैसा नहीं मिल रहा हो और सारा का सारा पैसा अधिकारियों को मिल रहा है? आप हमें जरा इसमें गुना भाग कीजिए। इतनी बड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतने बड़े बड़े अकलमंद सीए और पता नहीं क्या क्या किए हुए अधिकारी बैठे हैं कि अधिकारियों को कितना पैसा दिया आपने और जवानों को, अगर कांग्रेस ने इतने सालों तक नहीं दिया था, मेरी बात सुनिएगा, अगर कांग्रेस ने इतने सालों से नहीं दिया था तो उसका कारण ये था कि उस जमाने में जवानों की बात रखने के लिए कोई संस्था नहीं थी। अब जवानों की बात रखने के लिए एक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन आ गई है, जो कि ना कांग्रेस की और ना ही बीजेपी। कांग्रेस सरकार के अंदर जो लोग थे, उन लोगों के जो बंदे थे, वो इस बात से राजी नहीं थे कि वन रैंक वन पेंशन अधिकारियों की दी जाए, क्योंकि इसकी बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि जो जवान जल्दी रिटायर कर दिए जाते हैं, रिटायर मतलब वो खुद नहीं जाते हैं, उनको लात मार के भगाया जाता है जवानों को कि भाई तुम 15 साल 17 साल के अंदर 15+2 करके भागो यहाँ से, तुमको आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे।